आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ वक्त में से कुछ लम्हात निकाले और इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए। और इससे पहले कि हम बाज़ाब्ता तौर पर जो साउथ एशिया सॉलिडेरिटी नेटवर्क है इसकी डिटेल्स में जाएं, आज ये सबसे पहला प्रोग्राम है, सबसे पहला इवेंट है जो हम इस प्लेटफॉर्म से करने की तरफ जा रहे हैं, और एक नया प्लेटफॉर्म है और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें आप सबकी सपोर्ट, दोस्ती और हिमायत दरकार होगी। और साउथ एशिया के हवाले से मतलब ज़्यादा कोई जो डिटेल्स हैं उसमें जाने से पहले, सबसे पहले जो पिछले 2-3 दिन के हॉरिफिक वाक़यात हुए हैं साउथ एशिया में, इंडिया में, जहाँ पे एक फीमेल डॉक्टर के साथ जो उसका रेप किया गया और उसके बाद उसके ख़िलाफ़ होने वाले प्रोटेस्ट के अंदर जाने वाली एक खातून का, एक लड़की का, यंग का जो रेप किया और मर्डर हुआ एक बीस्टियल और एक हैवानी और वहशतनाक तरीके से, वो फिर हमें दोबारा इस चीज़ की याद दिलाता है और इस चीज़ का एहसास जो है मुस्तहकम करता है कि उस खत्ते के अंदर बहुत 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 बड़ी लड़ाइयाँ अभी तक जो हैं वो लड़ी जानी है, और इस तरह की जो बर्बरियत है और जो नाइंसाफ़ी है उसका खात्मा जो है वो कितना ज़रूरी है। और इसी तरह अगर बर्बरियत और नाइंसाफ़ी की बात करें तो आज इस लम्हे में, इस दौर में जो दुनिया में सबसे बड़ी बर्बरियत और वहशत जारी है वो गज़ा के अंदर जारी है, और किस तरह वहाँ पे एक रेफ्यूजी पॉपुलेशन को, जिनको पहले उनके घरों से दरबदर किया गया और उनको एक बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर में जेल में बंद किया गया, उनसे ज़िंदगी की हर खुशी, हर नेमत, हर ख्वाब, हर उमंग छीन के उन्हें एक भूख, बेरोज़गारी, महरूमी और कैद की ज़िंदगी में झोंक दिया गया, और जब उन्होंने उससे बाहर निकलने की कोशिश की तो उन पर आग और खून की और बारूद की ऐसी बारिश की गई कि शायद इससे जो माजी के बड़े बड़े हलाकू खान और चंगेज़ खान और इस तरह की बर्बरियत करने वाले जो लोग थे वो भी शर्मा जाएं। और हम, मेरा ख्याल है, इस कॉन्फ्रेंस से जो है यकजहती का इजहार करते हैं गज़ा के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर अपने बहनों और भाइयों के लिए जो कि एक खौफनाक कतलेआम से गुजर रहे हैं। और साउथ एशिया का जो खत्ता है, दुनिया का सबसे बड़ा खत्ता है पॉपुलेशन के हिसाब से, अब देखा जाए तकरीबन 2 बिलियन लोग वहाँ पर रहते हैं, और एक कॉन्टीन्यूम है पूरा, जहाँ से अफ़गानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, फिर मालदीव, श्रीलंका, इवन बर्मा, और अगरचे ये मुख्तलिफ जो रियासतें हैं, जो नेशन स्टेट्स हैं, उसमें काट काट के जो साम्राज्य है, जो इम्पीरियलिस्ट है, उन्होंने बांटा हुआ है, और मगर उसके बावजूद एक कल्चरल, सोशल और हिस्टोरिकल एक तसलसल है उसके अंदर, वहाँ के लोगों के अंदर एक फितरी जो है आपस में यकजहती है, वहाँ के लोगों में फितरी एक हम आहंगी है जो हज़ारों साल की एक मुश्तरका सिविलाइजेशन का एक इजहार है। और इस हवाले से देखा जाए तो इस 2 बिलियन जो तकरीबन क्वार्टर है दुनिया की पॉपुलेशन का वहाँ पर बसता है, जबकि जो दुनिया में गुर्बत जो है, जो दुनिया में जितनी गुर्बत है उसका 40% जो है वहाँ पाया जाता है। और साउथ एशिया के बहुत सारे इलाके जो हैं वो जो दुनिया के गरीब से गरीब तरीन जो खत्ते हैं उनसे भी ज़्यादा पस्त मियारे ज़िंदगी के अंदर रहने पर मजबूर है, मतलब गुर्बत है, बेरोज़गारी है, लाइलाजी है, महंगाई है, साफ़ पीने का पानी नहीं है आज के इस अहद में, ऐसी काबिल इलाज बीमारियों से बच्चे और जवान और माएँ और बूढ़े और सब लोग मरते हैं, जिनका इलाज शायद जो है चंद सेंट्स की चंद दवाइयाँ होती हैं, या जिनको प्रिवेंट करने के लिए इंतहाई बेसिक किस्म के जो है इकदाम चाहिए होते हैं। और इस महरूमी और इस इकोनॉमिक जबर के साथ साथ फिर एक सोशल और पॉलिटिकल जबर है, मतलब अफगानिस्तान से लेकर आप देखें जिस तरह वहाँ पर एक बर्बरियत का राज है, इस पर जो है सहर में मज़ीद बताएंगी, इसी तरह बाकी पूरे साउथ एशिया में किस तरह एक नेशनल ऑपरेशन है और उसके ख़िलाफ़ एक नेशनल स्ट्रगल है, जिसकी कश्मीर सबसे जो है नुमाया मिसाल है। इसके साथ साथ फिर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, रिलीजियस ऑपरेशन है, बहुत से मुल्कों में एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट किस्म की गवर्नमेंट्स
जो है वो मुसल्लत हैं, जो कभी नेशनलिज्म के नाम पर, कभी रिलीजन के नाम पर लोगों को ओप्रेस कर रही हैं। फिर उसके अंदर एक हज़ारों साल पुराना जबरन जबर जो है वो कास्ट सिस्टम्स का है, इंसानों को ऊंच नीच के अंदर बांटा गया है सिर्फ उनकी पैदाइश जिस ख़ानदान में हुई है उसके हवाले से, और उसके साथ फिर ख़वातीन के साथ जितनी नाइंसाफ़ी शायद साउथ एशिया में है उतनी शायद दुनिया के किसी खत्ते में नहीं है, जिस तरह के जो वाक़यात इंडिया में हुए हैं। इसके अलावा रोज़ हर रोज़ ख़वातीन को मुसलसल जबर इस्तेसाल और ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, काम की जगहों पर भी और ख़ानदानों के अंदर भी। मगर उसके साथ ही हमने देखा है कि साउथ एशिया के लोग और ख़वातीन और नौजवान और जो वर्कर्स हैं वो इस जबर को, इस जुर्म को कोई जो है वो ऐसे सह नहीं रहे, उसके खिलाफ मुसलसल लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं, अफगानिस्तान में ख़वातीन की जद्दोजहद हो, पाकिस्तान में महकूम कौमियतों की कई जद्दोजहदें हों, कश्मीर के अंदर जो है बहुत बड़ी जद्दोजहद है नेशनल स्ट्रगल की, और हालिया में जिस पे आगे दोस्त बात रखेंगे कि किस तरह अपने मौशी मसाइल पे पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर लोगों ने, मेहनत कशों ने, अवाम ने रियासत को जाम करके अपने हकूक मरवाए हैं। इसी तरह इंडिया में फार्मर्स की बहुत बड़ी स्ट्रगल रही है, कल इंडिया में नेशन वाइड जो है डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कॉल की है, जो कलकत्ता में उसका फीमेल डॉक्टर के साथ जो हुआ उसके ख़िलाफ़, और फिर सबसे बड़ी जो रिसेंट वाक़यात हम देखे हैं कि बांग्लादेश में किस तरह लोग उठे हैं और किस तरह उन्होंने एक दिहाइयों के जबर के खिलाफ जो है तालिब इल्मों ने उसको कुछ ही दिन में उठाकर पाश पाश कर दिया और रियासत का तमाम जबर और ताकत जो है वो उसके आगे मलिया मेट हो गई है। और इसी तरह के वाक़यात श्रीलंका में कुछ अर्से पहले देखने में आए थे। तो ऐसा नहीं है कि लोग सह रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, लोग खड़े हो रहे हैं, मगर वो सेपरेट मूवमेंट्स हैं, वो अलग 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 करके लड़ रहे हैं। उसमें कुछ जो है हाथ हुक्मरान तबके का है, हुक्मरानों का है, जो उनको डिवाइड करके डिवाइड एंड रूल करते हैं, और कुछ फिर जो है जोग्राफियाई और कम्युनिकेशन और सब की जो लिमिटेशंस हैं वो ऐसी बन जाती हैं कि वो मूवमेंट्स एक दूसरे से कटी रहती हैं। तो साउथ एशिया सॉलिडेरिटी नेटवर्क फॉर्म करने का हमारा मकसद यही है कि इन मुख्तलिफ कटी कटी मूवमेंट्स को, इन सेपरेट मूवमेंट्स को आपस में जोड़ा जाए, और ये नेचुरली इंस्टिंक्टिवली आपस में जुड़ी हुई हैं, मगर उसको शौरी तौर पर कॉन्शियसली जो है हम एक दूसरे के साथ सॉलिडेरिटी और जोड़ने का जो है वो इरादा रखते हैं। और उस सिलसिले में आज ये पहला स्टेप है, मगर ये बिल्कुल आखिरी नहीं है, इस तरह के हम बहुत से और करेंगे और बहुत सारे और एवेन्यूज़ हैं जिस पर मिलकर हम इकट्ठे होकर काम कर सकते हैं। और ये सिर्फ नहीं है कि जो साउथ एशिया के अंदर मूवमेंट्स चल रही हैं, जो साउथ एशियन डायस्पोरा यूरोप और अमेरिका में, उस पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास निस्बतन बेहतर वसाइल हैं, निस्बतन बेहतर आज़ादियाँ हैं, जिनको बुरुए कार ला कर, जिनको इस्तेमाल करके हम उन मूवमेंट के साथ जो है सॉलिडेरिटी बिल्ड कर सकते हैं आपस में। और उसके साथ फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जो ये एडवांस कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लाखों की तादाद में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ साउथ एशियंस जाके मजदूरी कर रहे हैं, एग्जाइल में रह रहे हैं, कुछ मौशी मसाइल के हवाले से, कुछ सियासी मसाइल की बिना पर, वहाँ की जो मूवमेंट्स हैं उनके साथ जो है जोड़ना, उनके साथ लिंकअप करना और उनके साथ सॉलिडेरिटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यूएसए के अंदर हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों यूएडब्ल्यू की जिस तरह ऑटो वर्कर्स की मूवमेंट चली है, उन्होंने अपने मुतालबात मरवाए हैं, इसी तरह फिर ये जो कैंपसेस के अंदर पैलेस्टीनियन सॉलिडेरिटी की जो मूवमेंट चल रही है, और उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा रोल जो साउथ एशियन स्टूडेंट्स हैं वो प्ले कर रहे हैं हर जगह पर, सारे कैंपसेस में। और ये बुनियादी तौर पर जो साउथ एशियन सॉलिडेरिटी नेटवर्क का मकसद है, और इसी के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, और ये पहला स्टेप है। मैं तमाम दोस्तों को, कॉम्रेड्स को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इस पहले स्टेप को लेने पर और पहले स्टेप को यकीनी बनाने पर और कामयाब करने पर, और मैं तमाम तरनेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ कि ये पहला स्टेप जो है आगे की कामयाबियों का रास्ता बनेगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू सस्ती के पाक नाम से जिसने इंसान को अक्ल व शोहर दिया, और लाखों दुरुस्त सस्ती पर जिसने इंसान को सोजे यकीन अता किया। सबसे पहले तो मैं मादर वतन से ताल्लुक़ रखने वाली अपनी अजीज़ बहनों, बच्चों, दोस्तों, बुज़ुर्गों को जो हिजरत के कर्ब से आ रहे हैं, और अपने कामरेड्स को जिनके साथ मिलकर आज हमने एक नई बुनियाद रखने जा रहे हैं
यूएसए के अंदर एक नई जदोजहद की सफारती और सियासी सतह पर उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके तावन से ये आज हमारी शुरुआत हुई है। तो मैं थोड़ा सा माजी के पस मंज़र में जाना चाहूँगा, चूँकि मैंने कश्मीर की जो हालिया आवामी तहरीक है और उसका नेशनल क्वेश्चन है उसके ऊपर से उसके हवाले से बात करनी है। तो मैं तारीख में जाए बगैर, चूँकि हमारे कामरेड्स सैर सभाइयाँ बैठी हैं, कि जब साम्राज्य तकसीम हुई बर सगीर की सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, चूँकि जंगें खुद बहुत बड़ा कारोबार होती हैं, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वार हो, जंग एक इंडस्ट्री होती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब बर सगीर तकसीम हुआ, साम्राज्य तकसीम हुई, उस साम्राज्य तकसीम के नतीजे में लाखों लोग कत्ल हुए, करोड़ों लोग बेघर हुए, और उसके जबर में उसके साए तले मेरी रियासत जम्मू कश्मीर भी तकसीम हो गई, आधी भारत के पास आधी पाकिस्तान के पास। और फिर 1947 से लेकर 2024 तक आज तक हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोग माशी सियासी जज्बाती सकाफती जबर सह रहे हैं, और उस जबर खाली हम ही नहीं सह रहे हैं, अगर उसको एक सियासी और समाजी अंदाज में देखा जाए तो पाकिस्तान भारत बांग्लादेश और पूरा सोत एशिया उससे सफर हो रहा है। उसके आवाम भी गुरबत जालत अफलास दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। उस कंटेस्ट के ऊपर हम बात करना चाहेंगे। वो इसलिए कि अगर हम जियोपॉलिटिकली रियासत जम्मू कश्मीर को देखें तो रियासत जम्मू कश्मीर जो डिवीजन है उसकी, वो दुनिया की आबादी का सबसे बड़ा मुल्क चाइना, अभी तो शायद भारत होने जा रहा है, जिसकी आबादी 1.5 अरब के करीब है, उस एक खत्ता उसके ऊपर एक पोर्शन के ऊपर उसका कब्जा है, और दूसरा जो आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क भारत, जिसने एक बड़े रकबे पर कब्जा किया हुआ है, उसकी आबादी भी 1.40 अरब से ज़्यादा है, उसको भी अगर शुमार करें, और पाकिस्तान की 21-22 करोड़ आबादी को भी शुमार करें, और वाहन की पट्टी से अगर सेंट्रल एशिया को भी शुमार करें, तो कामरेज अगर मैं गलती पे ना हूँ तो रियासत जम्मू कश्मीर तकरीबन दुनिया की 40% आबादी का न्यूक्लियस है। इससे रियासत जम्मू कश्मीर की जो आज़ादी है, चाहे वो आवामी हकूक की आज़ादी है, चाहे वो उसका नेशनल क्वेश्चन है, वो पूरे सोत एशिया की आज़ादी के साथ, माशी आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ है। उस तनाजर में हम ये समझते हैं एक सियासत और तारीख के तालिबे इल्म की हैसियत से कि हमें सऊद एशिया के अंदर जो मोमेंट्स हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हैं, वजीरिस्तान के अंदर हैं, बांग्लादेश के अंदर हैं, अफगानिस्तान की हमारी बहन बैठी हुई हैं, आपने देखा कि उस प्रॉक्सी वार का, अफगानिस्तान की उस प्रॉक्सी वार के क्या असरात मरतूब हुए, कितने लोग उसकी आग में जल के राख हो गए, कितनी नस्लें तबाह हो गई, और उसका अंजाम आप देख रहे हैं। इसी तरीके से हम ये समझते हैं कि जब तक हम साउथ एशिया के उन आज़ादी पसंदों को, उस पिछे हुए तबके को, मजदूरों को, किसानों को अपनी उस तहरीक का हमनवा नहीं बनाते, तो शायद हम आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। उसी बुनियाद के ऊपर हमने कामरेड के साथ मिलकर साउथ एशिया सॉलिडरिटी नेटवर्क की बुनियाद रखी दोस्तों ने, जिसमें मैं समझता हूँ कि कामरेड जायद, कामरेड फरात, कामरेड अम्बार, कामरेड नवीद, जिन लोगों ने, मैं समझता हूँ कि कंसेंसस, हम पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे थे कि हम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीज़ों को लेके जाएं। इसलिए दोस्तों मैं उस तरह पैरा में मुख्तसर वक्त में, चूँकि हमारे कुछ मेहमानों ने भी गुफ्तगू करनी है, पिछले 1 साल से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जिन लोग जो उस कौम के जबर में फंसी हुई है, चूँकि वहाँ के दरियाओं पर कब्ज़ा, वहाँ की माशियत पर कब्ज़ा, वहाँ की सियासत पर कब्ज़ा, एक अजीब सी हमारी आज़ादी है कि दरिया हमारे हैं लेकिन पानी हमारा नहीं है, जंगलात हमारे हैं लकड़ी हमारी नहीं है, जाली किस्म की कॉमरेड असम्बली है लेकिन उस असम्बली में नौकर हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, वहाँ अदालतें हैं लेकिन कानून हमारा नहीं है, तालीमी अदारे हैं लेकिन निज़ाम हमारा नहीं है। और फिर उससे भी बड़ी बात यह कि जो उस माशी एक्सप्लाइटेशन थी कि बिजली जो 2 रुपये 50 रुपये पर यूनिट कास्ट होती थी, जिसमें 150 के करीब गेहूँ जेरे आप लगा के हमें अपने हबाइल की कब्रें डुबो कर तो पंजाब का सरमायादार जागीरदार नेशन के रोशन किए, तो वही बिजली जो है 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मेरी रियासत के लोगों को जाकर बेचना शुरू, पिछले अरसे से बेचना शुरू की हुई थी। उसके साथ साथ आटा देखें जिस कौम के अंदर, जिस कौम की जो जबर है कॉमरेड्स, कि हम माशी जबर इसलिए सह रहे हैं कि आप देखिए 10 लाख कश्मीरी के करीब यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर और मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान के अंदर जो हम माशी जबर सह रहे हैं, लोगों के अंदर बहुत बड़े ख्वाब होते हैं कि शायद अमेरिका इंग्लैंड चला गया तो शायद दुनिया की कोई जन्नत है उसमें दाखिल हो गया, लेकिन शायद किसी को इन इमोशंस का नहीं पता कि जब एक मिडिल ईस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर या अमरीका के अंदर जो शख्स माशी जबर सहता है तो वह अपनी उस बूढ़ी माँ की उस इलाज करने से कासर है, वह अपने
बच्चों को लोरी देने से कासर है, वो शायद अपने बहन की डोली उठाने से कासर है, और उसकी कीमत उसको अपने एक थर्ड क्लास सिटीजन के तौर पे मजदूरी करके उसकी कीमत अदा करना पड़ती है। और इससे भी बड़ी जबर की बात यह है कि उसको यहां से मजदूरी करके कहीं टैक्सी चलाकर कहीं मजदूर की तरह मजदूरी करके अपनी माँ का इलाज खरीदना पड़ता है, अपनी बहन का इलाज तालीम खरीदनी पड़ती है, बच्चों की तालीम खरीदनी पड़ती है, इंसाफ खरीदना पड़ता है। उस जबर के खिलाफ वहां के लोगों ने एक जेन्युइन बुनियादों पे पहली दफा एक मूवमेंट चलाई, और पहली दफा कॉमरेड्स, ये तारीखी फतह है, पहली दफा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम ने अपनी जुड़त के साथ, अपनी जदोजहद के साथ वहां की सोलत का हुक्मरानों को शिकस्त फाश दी, और उसके ऊपर काबज गुप्तों को भी सबसे सच्चे शिकस्त फाश दी, और उनको आवाम के समझ के झुकना पड़ा। ये तारीखी फतह थी कश्मीर के अंदर, और उस तारीखी फतह को पाकिस्तान के समाज के अंदर भी और दूसरी जो साउथ एशिया के समाज के अंदर भी उस तहरीक को कोट किया गया, उस तहरीक को एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया गया। दोस्तों, जो बात आपसे कह रही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो ओवरसीज कश्मीरी रहते हैं, हमारा एक बहुत बड़ा एम रोल बनता है, उस एम रोल का तयन बहुत जरूरी है। वो ये है कि आप लोग, चाहे वो साउथ एशिया के किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता है, वो उसके आवाम का सफीर है। एक वो सफारत खाने हैं जो हुक्मरानों के नुमाइंदे हैं, जो हुक्मरान तबके की यहां नुमाइंदगी करते हैं, उनके मुलाजिम हैं। वो चाहे हिंदुस्तान का सफारत खाना है, पाकिस्तान का सफारत खाना है, बांग्लादेश का सफारत खाना है, वो वहां के हुक्मरानों के नुमाइंदे हैं। और एक सफारत खाने की बुनियाद आज हम डालने जा रहे हैं साउथ एशिया सॉलिडरिटी एसोसिएशन के, ये जो सफारतकार हैं ये आवाम के नुमाइंदे होंगे, ये आवाम के सफीर होंगे। और ये सफारतकार अगर साउथ एशिया के किसी मुल्क के अंदर भी जबर हुआ, जुल्म हुआ, उस जुल्म और जबर के खिलाफ ये सफारतकार खड़े होंगे, अपनी बात करेंगे, उनके तर्जुमान बनेंगे, उनकी जुबान बनेंगे। और ये हम वाजा पैगाम देना चाहते हैं उन कुत्तों को भी और उन ताकतों को भी कि ये सफीर जो है वो अपनी जंग लड़ेंगे, हर मास पर लड़ेंगे। ये वो बुनियाद है। दूसरी बात जो मैं इंतहाई अहम करना चाहता हूँ, दोस्तों और बुजुर्गों, हमने जिंदगी के एक तवील सफर जदोजहद में दिया, उस पर बेशुमार गलतियां भी हुई होंगी, हमारी इंसानों की तहरीकें थी, उन तहरीकों से हमें सीखना भी है। हम ये बात समझते हैं कि नफरत को नफरत की बुनियाद पर खत्म नहीं किया जा सकता, नफरत को सिर्फ मोहब्बतों से खत्म किया जा सकता है, जहालत को जहालत से नहीं, जहालत को मोहब्बत से खत्म किया जा, इल्म से खत्म किया जा सकता है, और गुलामी को गुलामी से नहीं, गुलामी को आजादी से खत्म किया जाता है। और हमारे खिलाफ बरेसगीर के अंदर एक प्रोपेगेंडा होता है, जो हुक्मरानों के नुमाइंदे होते हैं, सोलतकार होते हैं, वालाकार होते हैं, वो जाके प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये मुल्कों के खिलाफ है जी, ये हिंदुस्तान के खिलाफ, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। मैं वो क्लियर करके इजाजत चाहूंगा, हम हिंदुस्तान के गरीब 1.5 अरब इंसानों के एक दोस्त हैं, दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। हम पाकिस्तान के गरीब मजलूम मजबूर महकूम इंसानों के दोस्त हैं, दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। और हमने ये बात दिल्ली में भी कहते हैं, इस्लामाबाद में भी कहते हैं, और आज अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य का अड्डा है, वहां खड़े होकर भी बात कहते हैं कि हम उन हुक्मरान तबकों के कल भी दुश्मन थे, आज भी दुश्मन है। हम जागीरदारों के दुश्मन हैं, जिनकी जमीनों के ऊपर एक किसान हल चलाता है, लेकिन उस किसान के बच्चे भूख से मर जाते हैं, उस निजाम के खिलाफ है। हम खिलाफ हैं उस निजाम के जहां एक मजदूर कपड़े बुनता है लेकिन अपने बच्चों को कपड़े पहना नहीं सकता। हम खिलाफ हैं उस निजाम के जहां एक मजदूर स्कूल बनाता है, उसके बच्चे वहां पढ़ नहीं सकते, स्कूल बना अस्पताल बनाता है, उसके बच्चे वहां इलाज नहीं कर सकते। हम इस निजाम के खिलाफ हैं। हाँ, हम खिलाफ हैं उन जर्नलों के जिनके जो इंसानों का खून लगा हुआ है, और वो दुनिया के अंदर जंगे करके इंसानों का खून पीते हैं, और जब प्यास नहीं पूछती तो अपने ही बच्चों को सम की तरह डसते हैं, चाहे वो बलोचिस्तान के अंदर हो, वजीरिस्तान के अंदर हो, या वो हिंदुस्तान के अंदर किसानों की मजदूरों की तहरीक हो, चाहे वो जो वो बांग्लादेश के अंदर तहरीकें हों। हम उनके खिलाफ थे, खिलाफ हैं और मुखालफत करेंगे। ये वो थीम है जिस बुनियाद के ऊपर हम आगे जदोजहद करने जा रहे हैं। मैं एक दो बातें कहकर इजाजत चाहूंगा, वो ये है कि आज ये लोग ये मत सोचें कि हम तादाद में कम हैं, ये मत सोचें कि शायद ये नातों लोग जो मजदूरी कर रहे हैं सुबह से शाम तक, तो ये बढ़के मारते हैं। नहीं बाबा, नहीं। हम लोग जो लोग जिन लोगों का उठना बैठना रो सोना इंसानों की आज़ादी है, तो वो मौत के साथ रोमेंस करते हैं।
वो अपनी बम वो ख्वाहिशात के लिए नहीं जीते, वो मकासद के लिए जीते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि हमें इस बामकसद जंग के लिए अपनी सऊद एशिया के तमाम आजादी पसंदों को, अमेरिका के अंदर जो हमारी हमायत करता है उनको अपना हमनवा बनाना होगा। और आज इस कॉन्फ्रेंस से मैं चंद सजेशन शेयर करना चाहूँगा। हम ये तजावीज़ दे रहे हैं कि बर सगीर के अंदर, जनूबी एशिया के अंदर जो इसलाह जो बारूद के ऊपर पैसा खर्च होता है, जो मिज़ाइल और एटम बम के ऊपर पैसा खर्च होता है, उस पैसे को ख़त्म किया जाए और वो का पैसा वहाँ की आवाम की गुरबत, जालत, अफलास और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए और एक इंसानी समाज की तामीर के लिए खर्च किया जाए। हम आज के इस कॉन्फ्रेंस से ये मुतालबा करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जंगे कारोबार हैं, इससे फलस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम जंगों का खात्मा किया जाए और इस्लाह की तिजारत बंद की जाए। हम लोगों के साथ खड़े हैं। आज के इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम ये मुतालबा करते हैं कि भारतीय मकबूजा कश्मीर हो, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हो, बलोचिस्तान हो, वहाँ जितने भी सियासी कैदी हैं, वहाँ जितने भी ख्वातीन कैद हैं, बच्चे कैद हैं, उनके मिसिंग पर्सन से उनको आज़ाद किया जाए और उनको रिहा किया जाए। आज की कॉन्फ्रेंस से हम ये मुतालबा करते हैं और एक दलील देते हैं कि अगर फ्रांस, जर्मनी और इटली के दरमियान तारीखी जंगें लड़ी गई, लाखों इंसानों का खून हुआ, लेकिन अगर वो यूरोपीय यूनियन बना सकते हैं तो आए हम आपको एशियन यूनियन का तस्वर देते हैं। हम आए एशियन यूनियन की बुनियाद रखें और उस एशियन यूनियन की बुनियाद के ऊपर एक सेकुलर खुद मुख्तार कश्मीर जो है वो जिनेवा बनने के लिए तैयार है। एक सेकुलर खुद मुख्तार कश्मीर भारत, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती का पुल बनने के लिए तैयार है, तजारत का पुल बनने के लिए तैयार है, अमन का पुल बनने के लिए तैयार है। लेकिन जो यूलेख ख्वाब देख रहे हैं कि उस रियासत के पानियों को, दरियों को, वसाइल को तकसीम करके उनको वह कब्रें बनाएंगे, तो हम आज एक नए सिरे से तजदीदी आयद करते हैं कि हम ये जदोजहद जारी रखेंगे। तो दोस्तों, शायद हमारी जिंदगी इमोशंस में गुजरी, हम अब बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुके हैं, शायद अल्फाज और जज्बात की आमेजशी से मुमकिन उस तरीके से कुछ बातें जज्बाती तय भी हों, लेकिन हमारे जज्बात के ऊपर आप कर सकते हैं, लेकिन खुलूस के ऊपर शक नहीं कीजिएगा। मैं अपनी तरफ से दो बातें और कह के इजाज़त चाहूँगा एक मिनट के अंदर, कि अमेरिका के अंदर जो मेरे रियासत जम्मू कश्मीर के भाई हैं, बहनें हैं, मैं टेक्सास में गया, न्यूयॉर्क में गया, पेंसिल्वेनिया में गया, हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल आउटपुट बैठे हुए जो लोग यहाँ हमारे दिमाग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनकी दहलीज पर गया, मैं मजदूरों की दहलीज पे गया, मैं खुद एक मजदूर का बेटा हूँ, एक मजदूर हूँ, मैं यहाँ के बिजनेसमैनों के पास गया, मैंने उनके सामने एक ही बात रखी कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स निकलकर यहाँ हमें जो है वो कश्मीर बिजनेस फोरम बनाने की जरूरत है, हमें यहाँ की लोकल कम्युनिटी के साथ, लोकल पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ हिस्सा लेने की जरूरत है, यहाँ के सेनेटर, कांग्रेसमैन, इंटेलेक्चुअल, लॉयर्स, उनके साथ इंटरेक्शन की जरूरत है, उनके साथ हमें उनको एंगेज करने की जरूरत है। हमें यह जरूरत है कि आज हमें इस हाल में मिल नहीं रहा था, कहीं हाल ही हमारे कॉमरेड्स ने बड़ी मुश्किल से हाल अरेंज किया, लेकिन हमारे यहाँ दोस्त बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई हैं, काबिल एहतराम हैं, न्यूयॉर्क, टेक्सास, यूटा स्टेट में उनको कहा, आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने 40 सालों से मेहनत करके बहुत बड़ी बड़ी कोठियां बनाई, आपने बहुत मेहनत करके शायद रियासत जम्मू कश्मीर के सियासतदानों को भी पाला, लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे पास यहाँ कोई यूएसए के अंदर बैठने का हाल नहीं है, हमारी बहनों को, हमारी बच्चों को वो बैठ के खुशियां शेयर नहीं कर सकते, वो बच्चियों की सालगिरह नहीं बना सकते, उनकी शादी नहीं कर सकते। तो हमें एक सबर दिया कि आए हम मिलकर यहाँ जहाँ जहाँ कश्मीरी हैं तो जम्मू कश्मीर कम्युनिटी सेंटर्स बनाते हैं ताकि हम बैठ के मुश्तरका जंग लड़ सकें। इसे उस जम्मू कश्मीर कम्युनिटी सेंटर न्यूयॉर्क में भी बने, यहाँ भी वर्जीनिया में भी बने, टेक्सास में बने, जो हमारी मरकज यूथ हो, जो हमारा सफारतखाना हो, जो हमारा को तमाम रिश्तों को, तमाम बिखरे हुए सपनों को, अपनों को जोड़ सके, इसलिए इस पहलू के ऊपर भी हमें गौर करने की और सोचने की ज़रूरत है। तो आखिरी बात यह है कि दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, मैं शायद कुछ ज़्यादा वक्त ले गया चूँकि दोस्तों ने गुफ्तगू कर लिया, तो मैं चूँकि इनिशियली जम्मू कश्मीर की आवाम की तहरीक का चूँकि एक आवामी क्वेश्चन है जिसके ऊपर हमारे कॉमरेड बात में बात करेंगे, एक आवामी जदोजहद है और एक नेशनल क्वेश्चन है, हम दोनों जंगे लड़ रहे हैं, नेशनल क्वेश्चन की आइडेंटिटी की भी और आवामी हकों की जदोजहद के ऊपर भी, इसी उस आवामी जदोजहद के प्रोसेस में हमें जाना पड़ेगा, उस प्रोसेस को हमें अडाप्ट करना पड़ेगा। और इसके ऊपर आपके जहनों के ऊपर एक सवाल रख के कि अमेरिका 50 मुल्कों की रियासत है, चीन 1.5 अरब आबादी का मुल्क है और
हिंदुस्तान 1.5 अरब की आबादी का मुल्क बनने जा रहा है, वहां इतने वजीर और इतने मशीर नहीं है। और ये तारीख का पहला खिता है पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर, 4,500 मील, 35 लाख की आबादी, जिसको एक डिप्टी कमिश्नर कंट्रोल कर सकता है। वहां 53 MLA, 34 वजीर, दर्जनों मशीर, दर्जनों सेक्रेटरीज और अरबों रुपए ऊपर खर्चा, और वहां कोई बैन अकवामी सतह की ना यूनिवर्सिटी और ना हॉस्पिटल। और उस करप्ट सिस्टम को हम लोगों की नाअहलियत की वजह से, हम लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से उस करप्ट सिस्टम को हमने ऊपर सवार किया। और इसलिए हमेशा ये सवाल किया जाता है कि आप गरीबों के बच्चे हैं, गरीबों को सियासत नहीं करनी चाहिए। मेरा इसके ऊपर फलसफा मुख्तलिफ है। अमीरों के बच्चे सियासत भी खरीदते हैं, वजारतें भी खरीदते हैं, तालीम भी खरीदते हैं। सियासत सिर्फ हम गरीब बच्चों का हक है, जो यहाँ के सियासत के अंदर जदोजहद के नतीजे में अपने समाज को, अपने माशरे को एक नया निज़ाम देंगे। इससे अपने मासूम बच्चों को सियासी जदोजहद से मत रोकिएगा। सियासत इनका इसलिए हक है कि सियासत वो साइंस है जिसमें माशियत इन्वॉल्व है, साइकोलॉजी इन्वॉल्व है, एंथ्रोपोलॉजी इन्वॉल्व है। तो ये जो बच्चे आपके गोद में खेल रहे हैं, ये आने वाली कौम के सफारतकार, इकोनॉमिस्ट और कौम के नुमाइंदे होंगे। इनको अपने कल्चर, तहजीब, तारीख और इनको आज़ादी के साथ लड़ना सिखाएं। यही हमारी जंग है, और हम नस्ल दर नस्ल लड़ेंगे और हर मास पर लड़ेंगे। और हम मजामतकार हैं, और मजामतकार हरात के अंदर पैदा होते हैं और हरात के अंदर जंग लड़ते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।